जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार भजन कीर्तन। आज मैं एक ऐसी जानकारी आपको देने जा रहा हूं जिसे आपको ये जानकर हर्ष होगा, खुशी होगी कि आखिर कौन सा योग है, कैसा योग है जो इस वर्ष बन रहा है। 14 जनवरी को एक योग बन रहा है जिसका नाम है त्रिग्रही योग। तीन ग्रह एक साथ मिलकर इस योग को बना रहे हैं। इस योग में क्या होता है मित्रों, कि ये जिस भाव में होते हैं उस भाव को लाभ देते हैं, उस राशि को लाभ देते हैं उस भाव के द्वारा। 14 जनवरी 2023 को मकर राशि में इनका प्रवेश हो रहा है, जिससे 12 राशियों में तीन राशियों को ये लाभ दे रहे हैं, जिनमें से मेख राशि, वृक राशि और मीन राशि। इन तीन राशि के जातकों को ये त्रिग्रही योग बहुत लाभ देगा। मेघ राशि में क्या होगा, मेघ राशि में ये राशि से दसवें भाव में गोचर कर रहे हैं, इसके अनुसार इनको लाभ मिल रहा है। नौकरी करने वालों को भी लाभ मिलेगा, जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनको भी काफ़ी लाभ मिल रहा है। और पत्नी से प्रेम बढ़ेगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, कहीं आप देव स्थान पर घूमने भी जा सकते हैं। वृक राशि वालों में राशि से ये नवे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके द्वारा इनको कहीं न कहीं कोई न कोई व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं। इनका स्वास्थ्य इस वर्ष ठीक रहेगा, किसी भी वाद विवाद में ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, गुस्सा कम करें, क्योंकि गुस्सा करने से इनको कुछ हानि हो सकती है। मीन राशि के ये 11वें भाव में, राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे इनको काफ़ी लाभ होने की संभावना है इस वर्ष। इनको भी कहीं ना कहीं यात्रा करने के योग बन रहे हैं। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं उनको भी पदोन्नत के चांस हैं, और जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको इस वर्ष इस योग के माध्यम से नौकरी मिलने के आसार दिख रहे हैं। तो मित्रों, ये तीन राशियों को इस वर्ष त्रिग्रही योग लाभ देने वाला है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय श्री राधे राधे।